हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है आप सबके लिए अमृतसरी छोले। ये छोले बड़े ही कमाल के लगते हैं, खाने में बड़े टेस्टी बने हैं और आप इसे रोटी, पराठे, नान या फिर राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छोले को रात भर के लिए पानी में सोख करके रखा था। ये अच्छे से फूल गए हैं। मैंने ढाई कटोरी के करीब छोले लिए हैं। चलिए इसे बॉयल कर लेते हैं। कुकर में अपने सारे छोले डालेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिससे इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ही बढ़ जाएगा। मैंने छोटा सा कॉटन का एक कपड़ा लिया है, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब चाय की पत्ती और कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं दो छोटे तेज पत्ते, दो टुकड़ा दालचीनी का, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंग और दो से चार काली मिर्च। इनको आपस में अच्छे से मोड़ लीजिए और एक पोटली जैसा आकार बना लीजिए। मसालों को अच्छे से कपड़े में लपेट कर इसकी एक पोटली तैयार कर लेंगे। बस इसे कुकर में डाल दीजिए और साथ में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक और बस ढाई ग्लास के करीब पानी। पानी बस आपको इतना ही डालना है जिससे हमारा छोला जो है वो ऊपर तक भीग जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने कोई भी बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है। बस आप कुकर का ढक्कन बंद करिए और इसमें 7 से 8 सीटी लगाइए, आपके छोले आराम से गल जाएंगे। चलिए अब अपने छोलों के लिए मसालेदार ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग और अच्छे से ज़ीरा को क्रैकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं चॉप किए हुए प्याज और प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज में धीरे धीरे कलर आने लग गया है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 छोटा चम्मच के करीब हरी मिर्च। इन सबको आपस में मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए प्याज को और भूनेंगे। हमारे प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब चलिए टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, उसको मैंने मिक्सी में चला लिया और प्यूरी बना लिया है। अब आपको प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनना है। भूनने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसे 2 मिनट तक ढक के पका लिया है। हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से भून गया है। अब चलिए इसमें सारे मसाले डालते हैं। मसालों में हम यहाँ डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, और थोड़े से सौंफ के पाउडर। इन सबको आपस में अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाली है। मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक के पका लेंगे। चलिए अपने छोलों को भी चेक कर लेते हैं। ये कुकर हमारा एकदम ठंडा हो चुका है और देखिए छोलों में कितना बढ़िया कलर आया है। पोटली को हम निकाल के बाहर कर देंगे और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से हमारे छोले गल गए हैं बिना सोडा या इनो या बेकिंग पाउडर डाले। बस आपको इसका पानी नहीं फेंकना है, हम पानी के साथ ही इसको ग्रेवी में डालेंगे। हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें छोले और उसका पानी दोनों साथ में डाल देंगे और थोड़ा सा छोले को मैश कर लेंगे, इससे ये और भी गाढ़ा और टेस्टी लगेगा।
यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच के करीब छोला मसाला ऐड किया है। मैंने टाटा संपन्न का छोला मसाला डाला है, आप चाहो तो कोई भी कंपनी का डाल सकते हो। यहाँ पे हम एक कप के करीब पानी डालेंगे और अच्छे से इन सब को मिला लेंगे और ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम तब तक इसका तड़का बना लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी लिया है, उसमें मैंने डाले हैं कटे हुए अदरक और 1/2 छोटा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, ये हमारा तड़का बन चुका है। और देखिए हमारे छोले भी परफेक्ट बन के तैयार हैं और कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल बाजार जैसा। इसके ऊपर डाला है मैंने थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया और ये जो हमने तड़का बनाया था मिर्च और अदरक का, उसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। बस एक बार अच्छे से चला लीजिए और गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। देखिए हमारे छोले बनके तैयार हैं, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। बस हमारे गर्मा गर्म छोलों को हम एक बाउल में सर्व करेंगे और आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।